अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद है बेटा आप लोगों ने नेट बीन्स को इंस्टॉल कर लिया होगा और जावा की बेसिक कोई भी एग्जांपल आप लोगों ने रन करके भी देख ली होगी, जिससे आपको जावा का प्रोजेक्ट न्यू क्रिएट करना और उसके अंदर कोड लिखने की समझ आ गई होगी। तो बेटा आज के लेक्चर के अंदर, जैसे अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जावा के अंदर वेरिएबल लिए थे दो, और साथ में हमने मेथड लिए थे, तो क्लास के जो हमने दो वेरिएबल लिए थे उनकी वैल्यूज़ हमने उन मेथड के थ्रू इनिशियलाइज करवाई थी। वैल्यू असाइन करवाने के बाद हमने उन वैल्यूज़ को डिस्प्ले भी करवाया था। उम्मीद है उस एग्जांपल की आप लोगों को समझ आ गई होगी और आप लोगों ने उसको रन करके भी देखा होगा। तो आज हम देखते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं क्लास के, जैसे हमने कल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया था और उसी के थ्रू हमने एक्सेस किया था क्लास के मेथड्स को, तो हम देखते हैं कि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं और उन मल्टीपल ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आज एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि हम किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को रखने जा रहे हैं। स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के लिए मैं उसकी दो वैल्यूज़ को स्टोर कर लेता हूँ, एक उसका रोल नंबर और सेकंड उसका नेम रख लेते हैं। ये दो चीज़ें हम स्टोर करेंगे, एक नेम और एक रोल नंबर, और इसकी वैल्यू मैं असाइन करूँगा यूजिंग मेथड। तो मेथड के लिए मैंने कहा था कि हम स्पेसिफायर, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न टाइप, जैसे मैंने कल वाइल्ड लिखा था क्योंकि हमने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी। उसके बाद हम अपने फंक्शन का नेम लिखेंगे, जो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ सेट वैल्यू, और उसके बाद मैं इस रोल नंबर को कोई वैल्यू दे देता हूँ और इसी तरह नेम को भी एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ। हम स्ट्रिंग को डबल कोटेशन के अंदर लिखते होते हैं, याद रखिएगा। इसी तरह मैं इन वैल्यूज़ को डिस्प्ले भी करवाऊँगा, और डिस्प्ले करवाने के लिए मैं डिस्प्ले वैल्यू के नाम से फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन नेम आपको पता है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। तो कोई भी वैल्यू जावा के अंदर डिस्प्ले करवानी हो, प्रिंट करवानी हो, तो हमें पता है हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और हम प्रिंट ln को यूज़ करेंगे, इसलिए क्योंकि हमने न्यू लाइन पे भी इसको लेके जाना है। तो सिंपल प्रिंट जो है वो डिस्प्ले तो करवाता है, लेकिन उसके बाद वो न्यू लाइन पे मूव नहीं करता, लेकिन आप जब प्रिंट ln को यूज़ करते हैं तो फिर वो साथ में न्यू लाइन पे भी मूव होता है। यानी आप
जब प्रिंट भी करवाना है और साथ में न्यू लाइन भी प्रिंट करवानी है तो आप प्रिंट एलएन को यूज़ करेंगे। तो मैं इसी तरह रोल नंबर की वैल्यू और फिर उसके बाद मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ नेम की वैल्यू। अब देखें, कल भी हमने देखा था कि हमने ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम मेन के अंदर आके ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वो जो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे उस ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह बनाया जाता है कि क्लास नेम, और क्लास नेम हमारा इसके अंदर जो है वो हम देख लेते हैं जो कि है फोर्थ लेक्च। तो बेटा मैं कह रहा था कि यहाँ पे हम बनाएंगे उस क्लास का ऑब्जेक्ट और क्लास हमारी है फोर्थ लेक जावा, तो इसका ऑब्जेक्ट वन बना लेते हैं। और मैंने कहा था कि यहाँ पे हम न्यू कीवर्ड असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें कुछ इस तरह सिंटैक्स की ज़रूरत होती है और उसके बाद दोबारा हम क्लास नेम लिखते हैं जो कि दरअसल कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग होती है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है और ये कैसे काम करता है इसको हम बाद में डिटेल के साथ स्टडी कर लेंगे। यहाँ पे हमारा टी मिस है दोनों साइड पे, अब देखें एरर ख़त्म हो गई है। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में बता रहा था कि हम कल कंस्ट्रक्टर को डिटेल के साथ देख लेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और वो कैसे काम करता है और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग का क्या मतलब है। इसी तरह हमने कहा कि आज हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ऑब्जेक्ट टू के नाम से। जितने भी हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहें हम बना सकते हैं और हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग से कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब ऑब्जेक्ट वन के साथ जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इनके साथ मैं उन तमाम को फंक्शंस को कॉल कर सकता हूँ। तो पहले मैं सेट वैल्यू कॉल करता हूँ, क्योंकि मैं अगर डिस्प्ले वैल्यू कॉल करूँगा तो हमारी वैल्यू इनिशियलाइज यानी उन वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं हुई तो हमें उसकी वैल्यूज डिस्प्ले नहीं होंगी, बल्कि जो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं जैसे यहाँ पे ज़ीरो और नल है तो वो हमें डिस्प्ले हो रही हैं। अगर मैं इसके साथ पहले सेट वैल्यूज़ का फंक्शन कॉल कर लेता हूँ तो फिर वो जो सेट वैल्यूज़ के अंदर मैंने वैल्यू उन वेरिएबल्स को असाइन की हैं जैसे 124 और अली है तो फिर मुझे यही 124 और अली ही डिस्प्ले होगा। ये देखें 124 और अली। अब मैं ये चाहूँ तो अब देखें मैं एक और काम करता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट टू के साथ जस्ट डिस्प्ले वैल्यू फंक्शन को कॉल करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये हर ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट ट्रीट हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वन के लिए हमने सेट वैल्यू को कॉल किया था, ऑब्जेक्ट टू के लिए कॉल नहीं किया। तो ऑब्जेक्ट वन के लिए तो वैल्यू सेट हो गई थी और उसकी वैल्यू डिस्प्ले भी हुई, लेकिन ये ऑब्जेक्ट टू के लिए वैल्यूज़ नहीं है। ऑब्जेक्ट टू के लिए जब मैंने कॉल किया तो उसने ज़ीरो और नल कहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट टू के लिए हमने वैल्यूज़ को सेट नहीं किया। तो हर ऑब्जेक्ट जो है वो उसके लिए, यानी कि वो जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, जो हमारे वेरिएबल्स हैं और मेथड हैं, वो अलग से बनते हैं यानी अलग से काम कर रहे होते हैं। अगर मैं यही काम अब ऑब्जेक्ट टू के साथ करना चाहता हूँ तो ऑब्जेक्ट टू के साथ मुझे सेट वैल्यू को दोबारा कॉल करना पड़ेगा, तो अब ऑब्जेक्ट टू के लिए भी ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी। अब देखें यहाँ पर जो रिज़ल्ट नज़र आ रहा है वो 124 अली और फिर 124 अली है।
इसी तरह अब देखें कि ये वैल्यूज़ तो हमने यहाँ पे असाइन कर दी। हमने सी के अंदर भी पढ़ा था कि हम जो फंक्शन बनाते हैं उनको हम पैरामीटर्स भेज सकते हैं। तो अब ये जो रोल नंबर है और नेम है, ये मैं चाहता हूँ कि इनकी वैल्यूज़ मैं वहाँ ऑब्जेक्ट के साथ जब इन मेथड को कॉल कर रहा हूँ तो वहाँ से वैल्यूज़ को सेंड करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं पैरामीटर्स ले लेता हूँ ताकि यहाँ वहाँ से आने वाली वैल्यूज़ यहाँ पे आके स्टोर हों। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो वैल्यू वन है, जो कि रोल नंबर की वैल्यू होगी, वो भी वन में, और जो नेम की वैल्यू है वो हम इसी तरह वी टू में स्टोर कर लेते हैं। तो वी वन हम असाइन कर देते हैं रोल नंबर को और वी टू हम असाइन कर देते हैं नेम को, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आएगी और इसमें इंटीजर टाइप की। तो अगर मैं आप इसको ऐसे ही रन करूं तो यहाँ पे पहले ही मुझे एरर शो हो रहा है, तो ये रन नहीं होगा बल्कि एरर शो करेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर शो हो रहा है, और इसकी रीज़न ये है कि एरर होने की रीज़न ये है कि हमने वहाँ पे कहा है कि जो सेट वैल्यू का फंक्शन होगा वो दो वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा, एक इंटीजर टाइप वैल्यू और दूसरी स्ट्रिंग टाइप वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू नहीं सेंड करता तो फिर ये मेरा प्रोग्राम कभी भी रन नहीं होगा। तो मुझे यहाँ से दो वैल्यूज़ भेजनी है, एक इंटीजर और दूसरी स्ट्रिंग टाइप। तो देखें मैं यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट वन के लिए और वैल्यू भेजता हूँ और ऑब्जेक्ट टू के लिए एक दूसरी वैल्यू भेजता हूँ। तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट वन के लिए हमारी जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट टू की वैल्यू से डिफरेंट है, और उसकी रीज़न ये है कि हमने जो वैल्यूज़ पास की ऑब्जेक्ट वन के साथ वो और थी, और ऑब्जेक्ट टू के साथ जो वैल्यू पास की वो और थी। तो ऑब्जेक्ट वन के लिए और वो अलग से काम करेगा और ऑब्जेक्ट टू के लिए अलग से काम करेगा। अब देखें 12 और अली और 10 और खुरम आउटपुट आई है, तो ऑब्जेक्ट टू के लिए 10 और खुरम और ऑब्जेक्ट वन के लिए 12 और अली ही वैल्यू थी। ये ऐसा नहीं है कि इस वैल्यूज़ को सेट करने के बाद हमने फौरन डिस्प्ले वैल्यू का फंक्शन कॉल किया तो ये वाली वैल्यूज़ आई, और फिर इसके बाद हमने जो है वो सेट वैल्यूज़ 10 और खुरम किया, तो उसके बाद डायरेक्ट हमने फौरन डिस्प्ले वैल्यू किया तो 10 और खुरम रिज़ल्ट आया। सॉरी, ऐसा नहीं है बेटा। बल्कि अगर आप ऑब्जेक्ट वन को बेशक इस ऑब्जेक्ट टू के डिस्प्ले वैल्यू के बाद भी कॉल कर लें तो रिज़ल्ट ऑब्जेक्ट वन के लिए 12 और अली रहेगा, ऑब्जेक्ट टू के लिए 10 और खुरम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं ये डिफरेंट ट्रीट होते हैं, यानी दोनों के लिए अलग से वेरिएबल्स हैं और अलग से ये मेथड काम करते हैं। यानी ये ऑब्जेक्ट वन के लिए भी हैं और ये अलग से ऑब्जेक्ट टू के लिए भी हैं। यानी ऐसे समझे कि सेम टाइप के। बेटा हम यहाँ पे अपना ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।